बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बशीर बशीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल एग्रीकल्चर फील्ड। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरी अनाज के गल्ला मंडी रेट शामिल करेंगे, जिसमें आपके साथ शेयर करेंगे गंदम, सरसों, प्लांट वाला बाजरा और उसके अलावा तेल तिली के रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जो बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गंदम के मार्केट रेट्स और पोजीशन पर। रेट्स की पोजीशन अगर बात करें तो गंदम के रेट्स में मुसलसल इजाफा जा रहा है। अब बात यह है कि क्या नई गंदम की आमद से पुरानी गंदम के रेट्स में कमी वाकया होगी, ये कुछ दिनों तक पता चल जाएगा। जैसे ही नई गंदम की आमद होगी तो रेट्स में कमी होगी या वही रेट बरकरार रहेंगे। शेयर करते हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम के जो रेट रहे। बावल नगर में गंदम 4,200 रुपये से लेकर 4,450 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। बागपतन में गंदम 4,100 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। चिश्तिया में गंदम 4,250 रुपये से लेकर 4,300 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। तोंसा में गंदम 4,100 रुपये से लेकर 4,400 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। फ़कीर वाली में गंदम 4,300 रुपये से लेकर 4,450 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। अहमदपुर सियाल में गंदम 4,200 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। हासिलपुर में सरसों गंदम 4,300 रुपये से लेकर 4,430 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। रहीम यार खान में गंदम 4,400 रुपये से लेकर 4,550 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। और अगर बात करें जेलम में गंदम 4,200 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। राजनपुर में गंदम 4,000 से लेकर 4,500 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। बोरे वाले में गंदम 4,200 रुपये से लेकर 4,400 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। चीचाबंदी में गंदम 4,200 रुपये से लेकर 4,450 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। डोंगा बोंगा में गंदम 4,300 रुपये से लेकर 4,400 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। हरुणाबाद की अगर बात करें तो गंदम 4,300 रुपये से लेकर 4,440 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। खानपुर में गंदम 4,200 रुपये से लेकर 4,400 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। बावलपुर में गंदम 4,300 रुपये से लेकर 4,450 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। और इसी तरह दोस्तों, साहिवाल में गंदम 4,200 रुपये से लेकर 4,420 रुपये तक फी मन फरोख्त हुई। दोस्तों, इसी तरह बात करेंगे सरसों के मार्केट रेट्स और मार्केट पोजीशन पर। मार्केट पोजीशन की अगर बात करें सरसों की, तो पिछले कुछ दिनों से मंदे का शिकार जारी है। सरसों के रेट्स में काफ़ी कमी देखने को मिली है। बहरहाल, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है सिंध में और ख़ास तौर पर पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से माल में कमी आ गई है। मंदी की सबसे बड़ी वजह यही है कि बारिशों की वजह से माल मंडी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से रेट्स काफ़ी गिर गए हैं। शेयर करते हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरसों का आज का रेट क्या रहा। फ़कीर वाली में सरसों 6,900 रुपये से लेकर 7,900 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। मियाँ चन्नू में सरसों 7,000 से लेकर 7,950 रुपये तक फरोख्त हुई। उकाड़ा में सरसों 7,000 से लेकर 8,200 रुपये तक फरोख्त हुई। लैया में सरसों 6,400 रुपये से लेकर 7,400 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। मेरठ में सरसों 7,300 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। हासिलपुर में सरसों 7,000 से लेकर 7,800 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। टोबा से टैक्सिंग में सरसों 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। और अगर बात करें बावल नगर की, तो सरसों 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। खानपुर में सरसों 7,000 से लेकर 8,200 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। मुल्तान में सरसों 7,000 से लेकर 8,200 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। आरिवाल में सरसों 7,000 से लेकर 7,600 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। अहमदपुर सयाल में सरसों 7,200 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। चीचाबंदी की अगर बात करें, सरसों 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। और इसके बाद भाड़ी में सरसों 7,100 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। यजमान में सरसों 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। पत्तों की में सरसों 7,000 से लेकर 8,100 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। और अगर रहीमियार खान की बात करें, तो सरसों 7,100 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक फ़ी मन फरोख्त हुई। दोस्तों, इसके बाद बात करें बाजरा के मार्केट रेट्स पर। मुल्तान में बाजरा 8,200 रुपये तक फरोख्त हुआ। रहीम यार खान में बाजरा 8,000 रुपये तक फरोख्त हुआ। सकर की अगर बात करें, तो बाजरा 8,200 रुपये तक फरोख्त हुआ। हैदराबाद में बाजरा 8,300 रुपये तक फरोख्त हुआ। उसके बाद अगर बात करें लाहौर की, तो बाजरा 8,200 रुपये तक फी
फरोख्त हुआ, पिंडी में बाजरा 8,100 रुपये तक फरोख्त हुआ, बन्नू में बाजरा 8,300 रुपये तक फरोख्त हुआ। दोस्तों ये जो हमने आपके साथ रेट शेयर किए हैं ये 100 kg के हैं। इसके बाद दोस्तों शेयर करेंगे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तिल और तिली के आज के रेट। फैसलाबाद में तिल 17,700 से लेकर 18,650 रुपये तक फी मन फरोख्त हुआ। साहिवाल में तिल 15,000 से लेकर 18,200 रुपये तक फरोख्त हुआ। बाबल नगर में तिल 17,500 से लेकर 18,700 रुपये तक फरोख्त हुआ। चीचावती में तिल 16,000 से लेकर 18,000 रुपये तक फरोख्त हुआ। उकाड़ा में तिल 17,000 से लेकर 18,000 रुपये तक फरोख्त हुआ। और अगर बात करें हरुणाबाद की, तिल 17,000 से लेकर 17,750 रुपये तक फरोख्त हुआ। फतेहपुर में तिल 15,600 से लेकर 16,000 रुपये तक फीमान फरोख्त हुआ। मंचनाबाद में तिल 15,700 से लेकर 16,800 रुपये तक फीमान फरोख्त हुआ। बाबल नगर में तिल 17,500 से लेकर 18,700 रुपये तक फीमान फरोख्त हुआ। और इसी तरह दोस्तों आरीवाला में तिल 15,800 रुपये से लेकर 17,300 रुपये तक फीमान फरोख्त हुआ। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और आज के ताज़ा तरीन ज़रिए अजनास के गल्ला मंडी रेट्स। वीडियो को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।